नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल ज्योतिषवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर आधारित वीडियो अपलोड की जाती हैं। ज्योतिषवाणी का मुख्य उद्देश्य आपके दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करना, भविष्य में घटने वाली घटनाओं की जानकारी देना व उन घटनाओं का समय ग्रह नक्षत्रों आदि के माध्यम से निश्चित करने में आपकी सहायता करना है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि अपने जीवन और भाग्य के बारे में जानना हर व्यक्ति की इच्छा होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल ज्योतिषवाणी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। राशिफल से तो आप सभी भली भांति परिचित हैं। दैनिक राशिफल और मासिक राशिफल के समान ही साप्ताहिक भविष्यफल भी राशिफल का एक प्रकार है, जिसमें राशि के आधार पर आपके पूरे सप्ताह की भविष्यवाणी की जाती है। दैनिक राशिफल के साथ साथ मनुष्य के जीवन में साप्ताहिक राशिफल का भी विशेष महत्व है। साप्ताहिक राशिफल के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह शुभ है या नहीं। 6 नवंबर से नया सप्ताह शुरू हो रहा है। नवंबर माह का दूसरा सप्ताह काफी खास जाने वाला है। इस सप्ताह की शुरुआत में ही बुद्धि के दाता और ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इस हफ्ते दूसरों की मदद कर सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि इस हफ्ते सोच समझकर खर्च करें। आपके घर में शांति का माहौल बना रहेगा। परिवार के साथ पिकनिक का प्लान बना सकते हैं। करियर में जातक को उतार चढ़ाव से राहत मिलेगी। इस हफ्ते आपके जीवन में कुछ अच्छे बदलाव होंगे। जानते हैं सभी 12 राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा 12 नवंबर तक का समय। शुरुआत करते हैं इस सप्ताह के मेष राशि फल से। बृहस्पति महाराज आपकी चंद्र राशि के पहले भाव में उपस्थित होंगे और इसके परिणाम स्वरूप रक्तचाप, मधुमेह या मोटापे के मरीजों को इस सप्ताह अपना खास ख्याल रखने और सही व समय के अनुसार दवा उपचार लेने की जरूरत होगी। साथ ही यदि आपके कोलेस्ट्रॉल में भी समानता है तो उसे काबू में रखने की कोशिश भी आपको इस समय करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही आप सेहत से जुड़े कई लाभदायक परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। इस सप्ताह इस राशि के लोगों को अपने गुरुजनों के साथ बहस करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपकी छवि को भारी नुकसान होने की आशंका अधिक रहेगी। इसलिए उनसे बातचीत करते समय अपने शब्दों और भाषा का चयन बेहद सोच समझकर करें। विशेष उपाय, प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। जानते हैं इस सप्ताह का वृषभ राशिफल। इस सप्ताह आपको विशेष रूप से घर परिवार के बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखने की जरूरत होगी, क्योंकि योग दर्शा रहे हैं कि उन्हें अपने किसी पुराने रोग के कारण समस्या हो, जिसका नकारात्मक प्रभाव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर भी पड़ेगा। साप्ताहिक राशिफल के अनुसार आपकी राशि के जातकों को इस हफ्ते अपने पारिवारिक जीवन में अपार सुख मिलने के योग बनेंगे। इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि के सातवें भाव में बुध ग्रह के बैठे होने के कारण कई छात्रों को परीक्षा में मेहनत के अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं होगा, जिससे उनके अंदर निराशा का भाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में आपको इस बात को समझते हुए खुद को शांत करने की जरूरत होगी कि जीवन में हार जीत लगी रहती है। इस बात को समझें और पुनः अपनी मेहनत शुरू करें। विशेष उपाय, प्रतिदिन ओम गुरुवे नमः का 21 बार जाप करें। जानते हैं इस सप्ताह का मिथुन राशिफल। यदि आप मांसाहार करते हैं तो इस सप्ताह आपको कमजोरी की समस्या से निजात मिल सकेगी। हालांकि इसके लिए बेहतर ये भी होगा कि बाहर से खाना मंगवाने की जगह घर पर ही बना भोजन खाएं और भोजन को हजम कराने के लिए रोजाना करीब 30 मिनट तक चलें। इस सप्ताह आप घर परिवार में अपनी छवि को बेहतर करने के लिए अपनी आय से अधिक खर्च करते दिखाई देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह आपकी राशि के छात्रों को उन परीक्षा में बेहतर परिणाम मिलेंगे, जिनकी प्रतीक्षा वो पिछले काफी समय से कर रहे थे, क्योंकि शुरुआत में ही ज्यादातर छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा और उस कारण उन्हें सफलता मिलेगी। विशेष उपाय, रोजाना विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। जानते हैं इस सप्ताह का कर्क राशिफल। इस सप्ताह आपको एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए अपनी सेहत और व्यक्तित्व में सुधार लाने की सबसे अधिक कोशिश करनी होगी, क्योंकि ऐसा करके ही आप खुद को सेहतमंद रखने के साथ साथ अपने हर प्रकार के मानसिक तनाव से भी मुक्ति पा सकेंगे। आपकी चंद्र राशि के दसवें भाव में बृहस्पति की मौजूदगी के चलते ये सप्ताह ऐसी चीजों को खरीदने के लिए बढ़िया है जिनकी कीमत आगे चलकर बढ़ सकती है। चंद्र राशि के पांचवें भाव में बुध ग्रह के स्थित होने की वजह से आपकी राशि से संबंधित वो युवा जो किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, उन्हें इस सप्ताह अपनी मेहनत का अच्छा फल मिल सकेगा, जिसके अनुसार उनकी मनचाही मुराद पूरी हो सकती है। विशेष उपाय, प्रतिदिन 44 बार ओम मंदाय नमः का जाप करें।
जानते हैं इस सप्ताह का सिंह राशिफल। इस राशि के वो बुजुर्ग जातक जो पिछले समय से जोड़ों में दर्द की समस्या या कमर में दर्द से परेशान थे, उन्हें इस सप्ताह सही खानपान के परिणाम स्वरूप बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। ऐसे में अच्छा खानपान लेते हुए नियमित रूप से योगाभ्यास करें। आशंका है कि इस हफ्ते आपसे आपका कोई दोस्त, परिजन या रिश्तेदार किसी बड़ी रकम उधारी पर मांग सकता है, परंतु योग बन रहे हैं कि यदि आपने ये धन उनको दिया तो आपको न चाहते हुए भी आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ेगा, इसलिए इस सप्ताह किसी को भी उधारी पर धन देने से बचें। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह विद्यार्थियों को कई सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपके चौथे भाव में बुध ग्रह स्थित होगा। डॉट विशेष उपाय, प्रतिदिन आदित्य हृदयम का जाप करें। जानते हैं इस सप्ताह का कन्या राशिफल। पैरों में दर्द की समस्या, मोच, जोड़ों का दर्द से आपको इस हफ्ते निजात मिल सकेगी। विशेष रूप से ये सप्ताह 50 वर्ष से ज्यादा की आयु वाले जातकों के लिए विशेष उत्तम रहने के योग बनेंगे। इस सप्ताह शनि महाराज आपके छठे भाव में स्थित होंगे और ऐसे में नौकरी पेशा जातकों की आय में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। ऐसे में उन्हें कुछ छोटे निवेशों में अपने पैसे खर्च करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे ही उन्हें आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनेगी और वो अपने भविष्य को सुरक्षित करने में सफल होंगे। संभव है कि किसी कारणवश आपके आसपास जरूरत से ज्यादा शोर हो, जिसके कारण आप अपना ध्यान केंद्रित रखने में खुद को पूरी तरह असमर्थ पाएंगे। डॉट विशेष उपाय, प्रतिदिन ओम बुधाय नमः का 14 बार जाप करें। जानते हैं इस सप्ताह का तुला राशिफल। इस सप्ताह आपको इस बात का एहसास होगा कि आप जिस शारीरिक और मानसिक बीमारी से लंबे समय से परेशान थे, उनकी असल जड़ आपका दुख हो सकता है। ऐसे में इनसे बचने के लिए खुद को खुश रखने का प्रयास करने। इस सप्ताह आपको सामान्य से कम मेहनत करनी होगी क्योंकि शनि देव आपके पांचवें भाव में उपस्थित होंगे, इसलिए इस समय अवधि में आपको अपनी मेहनत के उत्तम परिणाम मिलने के योग बनेंगे, जिससे आपकी स्थिति भी बेहतर होगी। इस सप्ताह आप में आत्मविश्वास की कमी देखी जाएगी। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि खुद की मेहनत और लगन पर विश्वास रखते हुए अपनी क्षमताओं को कम आंकने की गलती न करें, अन्यथा आप सही निर्णय लेने में भी खुद को सक्षम नहीं पाएंगे। डॉट विशेष उपाय, प्रतिदिन ललिता सहस्र नाम का पाठ करें। जानते हैं इस सप्ताह का वृश्चिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि के पांचवें भाव में पापी ग्रह राहु स्थित होगा और ऐसे में इस सप्ताह आपको विशेष रूप से शराब या अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करने से बचना चाहिए। इस सप्ताह ऐसा प्रतीत होगा कि कुछ समय के लिए आप नितांत एकाकी हैं। इस दौरान आपके सहकर्मी, सहयोगी मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं, परंतु उनसे ज्यादा की अपेक्षा न रखें क्योंकि वे आपकी ज्यादा सहायता नहीं कर पाएंगे। इस सप्ताह शिक्षार्थियों को अपने पारिवारिक जीवन में चल रही उठा पथक के कारण बहुत सी परेशानियों का सामना करना होगा, जिस कारण वो अपना मन पढ़ाई की ओर केंद्रित रखने में भी खुद को पूरी तरह असफल पाएंगे। डॉट विशेष उपाय, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। जानते हैं इस सप्ताह का धनु राशिफल। इस सप्ताह नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी न होने दें और खुद को जितना संभव हो तरोताजा रखने के लिए अच्छी तरह से आराम दें। इससे आप न केवल अच्छा और रचनात्मक सोच पाएंगे, बल्कि आपकी सेहत के साथ साथ आपकी कार्य क्षमता भी सुधार होता दिखाई देगा, जिससे आप कई निर्णय लेने में सक्षम होंगे। ये समय आपके जीवन में कुछ ऐसे अच्छे बदलाव और अप्रत्याशित घटना लेकर आने वाला है, जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। इस सप्ताह बुद्धि के देवता कई छात्रों को मेहनत का फल दिलाते हुए सफलता की प्राप्ति कराने का कार्य करेंगे। इसी के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को भी इस समय भाग्य का साथ मिलेगा। विशेष उपाय, प्रतिदिन 21 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करें। जानते हैं इस सप्ताह का मकर राशिफल। इस सप्ताह के पर्यंत आपका स्वास्थ्य आमतौर पर उत्तम ही रहेगा, क्योंकि कई ग्रहों की शुभ दृष्टि आपकी सेहत को मजबूती देगी और साथ ही आपको पुरानी चली आ रही बीमारियों से भी निजात दिलाएगी, इसलिए इस सप्ताह आपका मन खुशमिजाज रहने के योग बनेंगे। साप्ताहिक राशिफल के अनुसार आपकी राशि के जातकों को इस हफ्ते अपने पारिवारिक जीवन में अपार सुख मिलने के योग बनेंगे। इस सप्ताह हर उस व्यक्ति से दूर रहे जो आपका समय बर्बाद कर रहा हो, फिर चाहे वो आपका कोई खास ही क्यों न हो, क्योंकि संभव है कि किसी शख्स के कारण आप अपना ज्यादातर समय शिक्षा में न लगाते हुए उसे बर्बाद कर सकते हैं, जिसका पछतावा आपको भविष्य में होगा। डॉट विशेष उपाय, शनिवार के दिन दिव्यांगों को भोजन दान करें।
जानते हैं इस सप्ताह का कुंभ राशिफल। आपकी चंद्र राशि के दूसरे भाव में राहु स्थित होगा और ऐसे में इस सप्ताह आपके बार बार खाने की आदत आपको परेशानी दे सकती है। इसलिए इस बात को समझे कि थूस थूस कर खाना आपके शौक के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये आपकी सेहत को खराब करके के लिए काफी भी है। ऐसे में ज्यादा कैलोरी की चीजें खाने से इस सप्ताह आपको बचना ही चाहिए। इस सप्ताह कई छात्र सोशल मीडिया पर अपना अधिकतर समय बर्बाद करते दिखाई देंगे। इससे उन्हें आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में नकारात्मक फलों की प्राप्ति भी हो सकती है। ऐसे में फोन या लैपटॉप का गलत इस्तेमाल करने से बचते हुए अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना आपके लिए बेहतर रहेगा। विशेष उपाय, शनिवार के दिन गरीबों को भोजन का दान करें। जानते हैं इस सप्ताह का मीन राशिफल। इस सप्ताह आपको विशेष रूप से शराब या अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इससे आपकी सेहत को तो हानि पहुंचेगी ही, साथ ही आपके तनाव में भी वृद्धि होगी। इस सप्ताह बृहस्पति देव आपके दूसरे भाव में बैठे होने की वजह से आपको कमीशन, लाभांश या रॉयल्टी के कार्य के जरिए कोई बड़ा फायदा होगा। इस समय वो छात्र जो किसी इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनके लिए ये समय शुभ रहेगा, क्योंकि इस अवधि में आपकी चंद्र राशि के नौवे भाव में बुध महाराज विराजमान होंगे। हालांकि इसके लिए आपको ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि पहले से ही अपने सारे दस्तावेज एकत्रित कर लें और उसके बाद ही किसी भी चीज के लिए आवेदन करें। विशेष उपाय, प्रतिदिन ओम बृहस्पति नमः का 21 बार जाप करें। दोस्तों, अगले सप्ताह का राशिफल जानने के लिए मेरे YouTube चैनल ज्योतिष वाणी को आज ही सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे बेल आइकॉन को अवश्य क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की।